नमस्कार, मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सहाचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रश्नावली की विशेषताओं के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि पहले वाली क्लास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार प्रश्नावली की विशेषताएं होती है और ये कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। और आज अपन जो बातचीत कर रहे हैं उसके अंतर्गत अपन बात करेंगे प्रश्नावली की विशेषताएं। क्या विशेषता होनी चाहिए एक अच्छी प्रश्नावली के लिए? तो सबसे पहले की जो बात आती है, प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो अपने रिसर्च के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव तय किए हैं, जो अपने हाइपोथेसिस तय की है, उसके अनुसार प्रश्नों की रूपरेखा तैयार की जाती है। और उसमें इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक तो नहीं है, क्योंकि जो उत्तरदाता होता है वह उन प्रश्नों का उत्तर देते देते थक जाता है या उसका मोह भंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह फिर लास्ट के प्रश्नों का आंसर ठीक ढंग से नहीं दे पाता। इसलिए प्रश्न उतने ही होने चाहिए जिसमें उत्तरदाता उन प्रश्नों को भरते वक्त बोर नहीं हो। दूसरा चीज जो विशेषता हमारे सामने आती है, यथासंभव प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, अर्थात उसके ऑब्जेक्टिव दो ही होने चाहिए, हाँ अथवा नहीं। तीसरा, प्रश्न सरल, स्पष्ट और निश्चित अर्थ होने वाले होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्चर है वो उत्तरदाता के सामने नहीं जाता है बल्कि प्रश्नावली को डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से उत्तरदाता के पास भेज दी जाती है। इसलिए प्रश्नों का निर्माण करते समय इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रश्न इतने सरल और स्पष्ट हो कि उसको पढ़ते ही उसको समझ में आ जाना चाहिए कि रिसर्चर मेरे से क्या पूछना चाह रहा है। चौथा जो इसकी विशेषता है, व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना न हो, ऐसे प्रश्नों की रचना नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रश्न किसी राजनीतिक पार्टी के संदर्भ में या व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं होने चाहिए, जिससे कि कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या कई सारे विवाद जैसी स्थितियाँ आती है। ऐसी स्थिति में प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो किसी पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप या उसके बारे में पॉजिटिव नहीं हो। प्रश्न असिस्ट नहीं होने चाहिए, अर्थात प्रश्नों के जो उत्तर है बहुत सरल और सभ्य तरीके से आने की संभावना हो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिनसे इच्छित सूचनाएं स्पष्ट रूप में हो सके। प्रश्नों का निर्माण करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं वो उसका उत्तर किस प्रकार का होगा, ये भी हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, प्रश्नावली की रचना। प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता बिना अनुसंधानकर्ताओं की सहायता से दे देता है, इसलिए प्रश्नावली के निर्माण में अधिक सावधानी व सतर्कता की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण में सुविधा हो, इस दृष्टि से भी प्रश्नावली को सरल एवं स्पष्ट बनाया जाना चाहिए। प्रश्नावली की रचना में तीन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता हमें रहती है। पहला, अध्ययन की समस्या, अर्थात हमारा जो स्टडी है या जो हमारा टॉपिक है वो किस प्रकार का है। प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति एवं शब्दावली, प्रश्न जो होने चाहिए वो उस समस्या से रिलेटेड होने चाहिए, उस अनुसंधान के अनुरूप होने चाहिए, उनकी प्रकृति और शब्दावली उसके अनुसार होनी चाहिए। ऐसा न हो कि हमारा रिसर्च किस प्रकार का है, प्रश्नों का स्वरूप किस प्रकार का है, उसकी नेचर किस प्रकार की है और उसमें जो शब्दावली दी गई है वो अपना एक अर्थ ही अलग लगा रही है, तो इस प्रकार के प्रश्नों की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। तीसरा जो होता है, प्रश्नावली की बाह्य आकृति एवं भौतिक पक्ष, अर्थात जो प्रश्नावली कलरफुल होनी चाहिए या उसका जो बाह्य आवरण इस प्रकार का हो
जो उत्तरदाता है उसका मन यकायक उसको देखने की इच्छा रखे कि मैं इसको पढ़ूं कि इसके अंतर्गत क्या है, उस प्रकार का स्वरूप उसमें हमेशा रखा जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, अध्ययन की समस्या। प्रश्नों की रचना करने से पूर्व यह आवश्यक है कि पहला, समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाए ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि समस्या के किन पक्षों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जानी है, अर्थात अनुसंधानकर्ता के पूर्व अनुभवों का उपयोग प्रश्नों के निर्माण में करना चाहिए जिससे कि उपयुक्त प्रश्नों के सम्मिलित होने की संभावना रहे। प्रश्नावली की रचना करते समय अध्ययन क्षेत्र को भौतिक सीमाओं के साथ सूचनादाता के विस्तार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति एवं शब्दावली। प्रश्नावली में किसी भी प्रश्न को सम्मिलित सूचनादाता पर व्यंग करते हो ऐसी स्थिति में प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं रहता है। तो पहले प्रश्नों को क्रमबद्ध करना। प्रश्नों का समूह अध्ययन के अंतर्गत विषय से संबंध होना चाहिए जिससे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कमियां विषय होने पर प्रश्न हो सकता है। अध्यापकों के कक्षाओं में पढ़ाने में नियमितता से आप कितने संतुष्ट हैं, पूर्ण संतुष्ट, संतुष्ट, असंतुष्ट या पूर्णतया असंतुष्ट। उत्तरदाता जब एक बार अध्ययन के उद्देश्यों के विषय में निश्चिंत हो जाए तब वे अन्य प्रश्नों का जवाब भी देंगे। नेक्स्ट, प्रश्न सबसे अधिक परिचित विषय से कम परिचित विषय की ओर अग्रसर होने चाहिए, अर्थात हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाने चाहिए। सबसे पहले उत्तरदाता की स्वयं की भावनाओं के विषय में प्रश्न पूछे जाने चाहिए, बाद में अन्य जैसे छात्रों, अध्यापकों, प्रशासकों आदि की भावनाओं के विषय में। नेक्स्ट, बहुत सामान्य प्रश्नों को टाले। प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न, आपकी अपने कंप्यूटर पर काम करना कब से शुरू किया, एक बहुत सामान्य प्रश्न है। उचित प्रश्न होगा, जब आप 10वीं कक्षा में थे तब क्या आपको कंप्यूटर का ज्ञान था या कंप्यूटर पर काम करने की रुचि थी, इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। सरलता से उत्तर दिए जाने योग्य प्रश्नों से पहले रखें। जब प्रारंभ में ही कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं तब उत्तरदाता थकान महसूस करता है, उसका मोह भंग हो जाता है और वह गंभीरता से प्रश्नों का उत्तर न दे। आयु, व्यवसाय, जाति, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, निवास, पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकते हैं। संवेदनशील प्रश्नों को मध्य में रखे जाए। राजनीतिक भ्रष्टाचार के प्रति दृष्टिकोण, सरकार की शिक्षा नीति, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार के लिए प्रोत्साहन, आरक्षण नीति का पुनरावलोकन आदि से संबंधित प्रश्न मध्य में रखे जाने चाहिए ताकि उत्तरदाता इन पर अधिक ध्यान देने का इच्छुक हो और ठीक से प्रश्नों के उत्तर देने में थकान महसूस न करें। एक से अधिक देने वाले प्रश्नों एक से दिखाई देने वाले प्रश्नों को एक स्थान पर रखने से बचें। प्रश्नों को तर्कसंगत क्रम में रखें जिससे परिवार पर प्रश्न पूछने के बाद देश की ज्वलंत समस्याओं पर, उत्तरदाता की व्यावसायिक आकांक्षाओं पर, राज्य में सांप्रदायिक दंगों पर, राजनीतिक अभिजात वर्ग की कार्यप्रणाली आदि, ये प्रश्नों का तर्कसंगत क्रम नहीं है। प्रश्नावली का बाह्य एवं भौतिक पक्ष, जैसा कि पहले ही बताया था मैंने आपको, प्रश्नावली की सफलता केवल प्रश्नों की भाषा एवं शब्दों पर ही निर्भर नहीं करती वरन उसकी भौतिक बनावट पर भी निर्भर करती है, क्योंकि प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ताओं की उपस्थिति नहीं होती है। अतः सूचनादाता का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्नावली की भौतिक बनावट जैसे उसका कागज, आकार, छपाई, रंग रूप, लंबाई आदि आकर्षक होनी चाहिए। प्रश्नावली की भौतिक पक्ष में निम्न बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए हमें। पहला, आकार। सामान्यतया प्रश्नावली बनाने के लिए कागज का आकार 8 इंच बाई 12 इंच अथवा 9 बाई 11 का होना चाहिए, जिन्हें उत्तरदाता आसानी से मोड़कर पहले तो अनुसंधान करता आसानी से मोड़कर लंबे लिफाफे में रखा जा सके। किंतु वर्तमान में छोटे आकार की प्रश्नावली जो कि पोस्टकार्ड साइज में भी होती है का प्रचलन भी बढ़ा है। कम प्रश्नों की प्रश्नावली होने पर उसका डाक यह भी कम लगता है तथा उसके भरकर लौटने की संभावना भी अधिक रहती है। कागज, प्रश्नावली के लिए प्रयोग किए जाने वाले कागज भी कड़ा, चिकना, मजबूत एवं टिकाऊ होना चाहिए। जहाँ तक हो कागज रंगीन तथा ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए।
विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित प्रश्नावलियों में भिन्न भिन्न रंगों के कागज का प्रयोग करने से उनकी छटाई आसान हो जाती है। कागज पतला होने पर डाक व्यय भी कम लगता है। छपाई, प्रश्नावलियों को छपाया जा सकता है अथवा साइक्लोस्टाइल करवाया जा सकता है। अभी साइक्लोस्टाइल वाली सिस्टम पुराना हो गया है, तब प्रश्नावली को छपाया या फोटोकॉपी एक को प्रिंट करा के, एक को टाइप करा के फिर उसका फोटोकॉपी हो सकता है। छपाई स्पष्ट एवं शुद्ध होनी चाहिए ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके। आकर्षक छपाई सूचनादाता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। प्रश्नावली की लंबाई, प्रश्नावली बहुत अधिक लंबी भी नहीं होनी चाहिए जिसे भरने में उत्तरदाता ऊब और निरसता महसूस करे। सामान्यतः आधे घंटे में भरी जाने वाली प्रश्नावलियाँ उपयुक्त मानी जाती हैं। नेक्स्ट, हाशिया एवं जगह छोड़ना। प्रश्नावली का निर्माण करते समय 3x8 इंच एवं दाईं ओर 1.5 इंच अथवा 1.6 इंच हाशिया अवश्य छोड़ना चाहिए। इसमें प्रश्नावली आकर्षक बन जाती है। आवश्यकता पड़ने पर हाशिए में टिप्पणी भी अंकित की जा सकती है, अर्थात प्रश्नावली के तीनों तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ और नीचे की तरफ थोड़ा हाशिया मार्जिन रखने की आवश्यकता रहती है। और यह हाशिया थोड़ा सुंदर भी लगता है, लेकिन कई बार अनुसंधानकर्ता या जो उत्तरदाता है उसको ये जरूरत पड़ेगी मैं कुछ टिप्पणी लिखना चाहता हूँ, तो उस जगह में वो अपनी टिप्पणी लिख सकता है। कागज को पंच कर फाइल करने में भी सुविधा रहती है। प्रश्नावली को छापते समय अक्षरों तथा प्रश्नों के बीच पर्याप्त जगह छोड़नी चाहिए ताकि पढ़ने में सुविधा हो तथा मुक्त प्रश्नों के उत्तर लिखे जा सके। प्रश्नों मदों की व्यवस्था। एक विषय से संबंधित सभी प्रश्नों को एक साथ एक क्रम में लिखा जाना चाहिए और यदि प्रश्नों की संख्या अधिक हो तो उन्हें व्यवस्थित करके विभिन्न समूह में बांट देना चाहिए। प्रश्नावली में शीर्षक, उपशीर्षक, कालम तथा सारणियां आदि सही क्रम में छपे होने चाहिए ताकि उनके संपादन में अधिक समय, श्रम व धन नहीं लगाना पड़े। नेक्स्ट, प्रश्नावली का प्रयोग। प्रश्नावली के प्रयोग की समस्त प्रक्रिया को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित हम कर लोग कर सकते हैं। पहला, पूर्व परीक्षण, जिसको हम लोग पायलट स्टडी भी कहते हैं। सहगामी पत्र, डाक द्वारा प्रेषण तथा अनुगामी पत्र। पहला, पूर्व परीक्षण। अब पूर्व परीक्षण किसे कहते हैं? प्रश्नावली का निर्माण हो जाने के पश्चात तथा डाक द्वारा इसे भेजने से पूर्व इसकी जांच एक छोटे निदर्शन को मानकर कर लेनी चाहिए कि जो आपने प्रश्न भेजे हैं उसके आंसर हमें किस प्रकार से प्राप्त होंगे, तो आगे चलकर उसमें किसी प्रकार का संदेह की स्थिति न रहे। पूर्व परीक्षण में निम्न बातें विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। पहला, परीक्षण प्रणाली वास्तविक प्रणाली से पूर्णतया मिलती जुलती होनी चाहिए। इसे समग्र के प्रतिनिधियों अथवा निदर्शन समूह के सदस्यों को भेजा जाना चाहिए। इसे कम संख्या में छपवाया जाना चाहिए। लघुकार निदर्शन समूह के उत्तरों एवं कठिनाइयों के आधार पर इसमें सुधार किया जाना चाहिए। यदि इसमें अधिक परिवर्तन किए गए हैं तो इसका पुनः पूर्व परीक्षण कर लिया जाना चाहिए। पूर्व परीक्षण से ऐसे प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी जिनके विषय में उत्तरदाता मैं नहीं जानता अथवा पता नहीं आदि लिखते हैं। उत्तरदाता की योग्यता एवं उत्सुकता का ज्ञान हो जाना है तथा विश्वसनीयता का एवं प्रामाणिकता में वृद्धि हो जाती है। सहगामी पत्र, प्रत्येक प्रश्नावली के साथ एक छपा हुआ सहगामी पत्र संकलन कर देना चाहिए। इस पत्र में आयोजित अध्ययन के उद्देश्य तथा सूचनादाता के सहयोग पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। प्रश्नावली को यथाशीघ्र भरकर लौटा देने का भी अनुरोध किया जाना चाहिए। इस पत्र में अध्ययनकर्ता का नाम, उसका विभाग, संबंधित व्यक्तियों का उल्लेख, अध्ययन के उद्देश्य आदि का विवरण देना चाहिए। साथ ही यह भी लिखा जाना चाहिए कि प्राप्त सूचनाएं गुप्त रखी जाएगी। इस प्रकार सहगामी पत्र में निम्नलिखित मुख्य बिंदु होते हैं: अनुसंधानकर्ता एवं अनुसंधान प्रायोजक की पहचान, अध्ययन के सामाजिक महत्व को दर्शाया जाता है, अध्ययन के मुख्य उद्देश्य बताते हैं, अज्ञानता तथा गोपनीयता के प्रति आश्वस्त करना, प्रश्नावली भरने के लिए अनुमति आवश्यक अनुमानित आवश्यक समय बताना, पत्र के अंत में उत्तरदाता के सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया जाना चाहिए, पत्र छोटा, आकर्षक तथा प्रभावशाली होना चाहिए, शीघ्र प्रत्युत्तर पाने के उद्देश्य के साथ में जवाबी लिफाफा भी भेजना चाहिए। डाक द्वारा प्रेषण, इस क्षेत्र की प्रश्नावलियाँ यथासंभव एक साथ भेजी जानी चाहिए जिससे उस क्षेत्र के सूचनादाताओं के उत्तर साथ साथ ही प्राप्त हो सके। सूचनादाताओं के पते पूरे सही एवं पिन कोड सहित लिखने चाहिए जिससे प्रश्नावली यथा समय पहुंच सके। प्रश्नावलियां ऐसे समय उनके पास पहुंचे जब वे साप्ताहिक अवकाश आदि के कारण घर पर ही रहे।
इससे वे उन्हें सही समय पर भरकर भेज सकेंगे। अपना पता लिखा व टिकट लगा ले पापा अवश्य साथ में संलग्न करना चाहिए। नेक्स्ट कल अपन पढ़ेंगे अनुगामी पत्र जो कि उसके साथ लगाया जाता है। धन्यवाद।